दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम जानते हैं एक बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 2018 से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुके हैं। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की डेट आ गई है दोस्तों, जिसका आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वह फॉर्म 1 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक भरे जाएंगे। इसके द्वारा आप सेंट्रल कॉलेज में, मतलब KV कॉलेज में और CBSE स्कूलों में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो सकेंगे। अगर आपका टेस्ट निकल जाता है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसकी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, 27 अगस्त 2018। मतलब ये फॉर्म आज प्रारंभ हो चुके हैं भरना और ये 27 अगस्त को तक भरे जाएंगे। इसकी डेट क्या है, लास्ट फीस जमा करने की डेट है 30 अगस्त 2018। मतलब ये 3:30 के पहले आप जमा कर दें, 30 तारीख तक आप फीस जमा कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें किन किन लोगों को सिलेक्ट किया जा सकता है, किन किन लोगों के फॉर्म भरे जा सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा और कैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये फॉर्म पूरे ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन भरने के लिए आपको www.cteet.nic.in पे लॉगिन करना होगा। वहाँ पे पेज होम पेज में जाना होगा। उसके बाद आपको देखिए सेकेंड मेथड सेकेंड नंबर पर लिखा हुआ है Step 1, लॉग ऑन टू CTET ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in। जैसे ही आप इस होम पेज में क्लिक करते हैं तो आपको एक अप्लाई ऑफलाइन ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करिए। वहाँ पे आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, उसको आपको पूरा फिल करना है। उसके बाद लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद जो भी फीस होगी उसकी निर्धारित आपको जमा करनी है। यहाँ पे दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा 1st to 5th के लिए और 6th to 12th के लिए होगा। पेपर 2 अगर आप दोनों फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसकी फ़ीस कुछ अलग होगी। अगर एक सिंगल फॉर्म भरते हैं तो उसकी फ़ीस अलग होगी। तो देखिए यहाँ पे फीस के बारे में बताया गया है। जनरल और OBC के लिए अगर एक फॉर्म भरते हैं अपन तो 700 रुपये का होगा। पेपर 1 भरें या पेपर 2 भरें, और दोनों पेपर के लिए भरते हैं तो 1200 रुपये का होगा। यानी SC ST डिसेबल पर्सन के लिए 350 और 600, उसका जस्ट हाफ होगा। तो दोस्तों, आप ये बैंक चालान से भी जमा कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी आप ये फीस जमा कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें स्पेशली आइस की गई हैं। तो ये फॉर्म तो निकाल जा चुका है, अब आप इसको जल्दी से भर दीजिए। हम आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको पढ़ें। देखिए, दो पेपर कौन कौन से होंगे। पेपर 2 पहले होगा 9:30 से लेकर 12 बजे तक। उसके बाद पेपर 1 होगा 2:00 से लेकर 4:30 बजे तक। दोनों पेपर 2.5-2.5 घंटे के होंगे। कुल मिलाकर आपको 120 और 30 150 मिनट का समय दिया जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें 150 क्वेश्चन कम से कम तो आएंगे। देखते हैं आगे क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए CTET के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग टीचर First to 5th के लिए प्राइमरी स्टेज में क्या होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए कम से कम 50% के साथ, और कम से कम फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर इन डिप्लोमा DED होना चाहिए टोटल का। उसके बाद भी और कई क्वालिफिकेशन है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप 6th से 12th तक का पढ़ाना चाहते हैं, सॉरी 6th से लेकर 8th तक पढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए दूसरा फॉर्म आएगा 6th से लेकर सिर्फ 8th वालों के लिए। तो इसमें ग्रेजुएशन इन पास्ट और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DED होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन जो इसमें बताई गई हैं। ये पूरे रिजर्वेशन भी किया हुआ है दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं अपन क्या क्या आने वाला है। देखिए पेपर 1 में क्या क्या आने वाला है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, Language 1 कंपलसरी, Language 2 कंपलसरी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, सबके 30-30 क्वेश्चन आएंगे। इस वगैरह टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आएंगे। तो किन किन भाषाओं में ये पेपर होने वाला है, देखिए ऑप्शन 2 लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपीयर फॉर CTET, इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, बहुत सारी लैंग्वेज है जिनमें ये पेपर होने वाला है। इसी प्रकार पेपर 2 जो 6th से लेकर 8th तक के लिए किया जाना है, उसमें भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, Language 1, Language 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस के 60-60 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें निर्धारित की गई हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड ऑफ CET सर्टिफिकेट। CET सर्टिफिकेट कब मिलेगा आपको, इसके लिए बताया गया है यहाँ पे, एज पर NCTE नोटिफिकेशन अ पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन TET एग्जाम विल कंसीडर TET पास। मतलब 150 में से अगर आप देखा जाए 60%, 90 नंबर अगर आप 90 मार्क्स लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाई कहलाएंगे, CET एलिजिबल कहलाएंगे, आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा दोस्तों।
तो देखिए ये पूरी वैलिडिटी कब होगी इसकी, स्कोर कार्ड की वैलिडिटी लिखी हुई है विल बी 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, और 7 साल तक की वैलिडिटी है। तो दोस्तों अगर आप इस बार फॉर्म भर सकते हैं तो आप 7 साल के लिए आपको कोई TET टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप किसी भी कॉलेज में किसी भी स्कूल में 8 तक के बच्चों के लिए अगर कोई एग्ज़ाम निकलता है, कोई डिमांड निकलती है, रिक्रूटमेंट निकलती है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एडमिट कार्ड कब आएगा, यस में अभी तक तो बताया नहीं है कुछ, वैसे लिखा हुआ है कि इन केस कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड, अभी एडमिट कार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है ये, आगे देखते हैं अगर कुछ लिखा होगा तो। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर सेंट्रल टीचर रिलीवी टेस्ट, फीस मैंने बताई अभी वही 700, 1200, 350, 600 रुपये होगी। इसके बाद और क्या हो सकता है इसमें खास देखते हैं, तो ये देखिए पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है प्राइमरी स्टेज का, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे इसमें, यहाँ पे आपको बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनको तैयारी चालू कर दीजिए। ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है Language 1 का, Language 2 का, मैथमेटिक्स का, पेडोगोजिकल इशू का, कंटेंट का, है ना, और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये पूरा सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दिया हुआ है दोस्तों। इस प्रकार आप यहाँ से ये क्वेश्चन इन्हीं को क्वेश्चन को पढ़िए जो यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ है और इसकी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। तो ये पूरे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, अभी तो आप फॉर्म भरिए, इंस्ट्रक्शन आप बाद में भी पढ़ सकते हैं जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो शायद OMR सीट से ही पेपर होगा आपका, उसमें ABCD 4 ऑप्शन होंगे और इस प्रकार OMR सीट भरनी पड़ेगी। ये नोटिफिकेशन आज ही आया है, इसको आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ होने पेपर, उनकी सिटी कौन कौन सी होंगी, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो देखते हैं कहाँ कहाँ पेपर होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और जबलपुर 3 सेंटर बनाए गए हैं दोस्तों। तो 27 तारीख तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, अगर आप चालान से फीस जमा करते हैं तो 30 तारीख तक आप फीस जमा कर दें, 3 बजे तक की समय निर्धारित किया गया है। और ये पूरा फॉर्म है, देखिए अगर आप वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो कैसी विंडो ओपन होगी, यहाँ पे विंडो भी दिखाई गई है, विंडो होगी उसमें स्टेट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट इंटरव्यू टाइप सेलेक्ट करना है, पास नंबर सेलेक्ट करना है, कैंडिडेट नेम और डेट ऑफ बर्थ ये सब करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको दूसरा पेज रजिस्ट्रेशन का ओपन होगा, इसमें सारी जानकारी आपको भरनी है। इस प्रकार आप फीस जमा करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों जिनके पास BEd और DEd है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। अगर आपका BEd या DEd का फॉर्म नहीं निकलता या उसमें सिलेक्शन होने से रह जाता है तो आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से किसी भी CBSE स्कूलों में आप पढ़ा सकते हैं। तो ये रहा नोटिफिकेशन, आगे जैसे भी कोई अपडेट आती है हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी एडमिट कार्ड की कोई डेट नहीं आई है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब होगी ये भी नहीं आई है। तो 6 महीने के भीतर इन्हें रिजल्ट आने की बात की है लेकिन अभी पेपर की डेट कोई नहीं घोषित की गई है। तो दोस्तों टाइम शेड्यूल भी दिया हुआ है, आप बिल्कुल तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। ये पेपर देखिए 1 अगस्त में तो पूरे फॉर्म भरने की डेट है, सितंबर में एडमिट कार्ड आएंगे और लास्ट सितंबर या अक्टूबर में पेपर हो सकता है। तो दोस्तों आप BEd और संविदा के साथ साथ BEd DEd वालों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आगे की अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। दोस्तों तब तक के लिए आप तैयारी चालू रखिए, धन्यवाद।